हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्साइज किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी तिल मावा के बहुत ही टेस्टी लड्डू। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम खोया और आधा कटोरी लिया है मैंने तिल, और आधा कटोरी हमें चाहिए ये नारियल का बुरादा, और आधा कटोरी लिए मैंने चीनी। लड्डू को गार्निश करने के लिए मैंने लिए थोड़े से ये पिस्ता, इसको मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं तिल को डाल देती हूँ कढ़ाई में और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। तिल को आप मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। तिल को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या 2 या 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो गया है और ये लाइट ब्राउन हो गए, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तिल को देखिए प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। अब कढ़ाई में डाल लेते हैं ये नारियल का बुरादा और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी, और इसका हमें कलर चेंज नहीं करना, बस इसका हल्का कच्चापन निकालना है। नारियल को देखिए 1 मिनट हो गया है और ये हल्का कलर चेंज होने लगा है, तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। नारियल को भी देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब मावा को भून लेंगे, भून लेते हैं और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से भून लूंगी। थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं, आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। खोया को हम बराबर चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। खोया को मैंने देखिए 7 मिनट भून लिया है और ये इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम जो चीनी ली थी, इस चीनी को इसमें डाल देते हैं और चीनी को भी अच्छे से खोए के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से हम भून लेंगे। चीनी देखिए पिघल गई है और खोया भी हमारा एकदम देखिए पतला सा हो गया है। तो चीनी के पानी जलने तक हम इसे अच्छे से भून लेते हैं और इसे मैं बराबर चलाती रहूँगी। देखिए खोया हमारा गाढ़ा होने लगा है, तो इसे मुझे बस थोड़ा सा और पकाना है। देखिए खोया अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ये देखिए सिमटने लगा है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लेंगे। देखिए खोया हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे मैं उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने नारियल का बुरादा और तिल निकाले हैं। देखिए खोए को भी मैंने प्लेट में डाल लिया है। अब हम ये नारियल का बुरादा और भुने हुए तिल इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तिल और बुरादा देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू को मैं प्लेट में रख देती हूँ और बाकी के भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। मावा और तिल के लड्डू हमारे तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।